हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जो हम पढ़ेंगे 6A रेखीय समीकरण। इसका हम 5 नंबर का चौथा सवाल पढ़ेंगे। इसके पीछे का हम सारा सवाल बता चुके हैं, तो इसका हम 4 नंबर सवाल पढ़ेंगे जो 5 का चौथा है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, और इसमें दिया है समीकरण को हल कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। तो हम समीकरण को पहले हल करेंगे, फिर इसके उत्तर को जाँच कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 7 दिया है, तो 7 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कुछ निशान नहीं है, तो यानी कि हम मान लेंगे कि यहाँ पर गुणा, कुछ का निशान नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। तो पहले हम 7 का गुणा कर लेंगे 3 - 2x में। तो 7 लिख के 21 - 7 = 14x प्लस, अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 - 3 = 12x। अब हम बराबर 45 लिख लेंगे, ऐसे हम इसका कर लेंगे। तो करेंगे तो हम चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे, तो इसका हो जाएगा -14x और -12x एक तरफ हो जाएगा, और 45, और ये हमारा माइनस में है तो इधर आएगा, तो सॉरी इधर हमारा प्लस में है तो इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस में है तो इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लगेगा, लेकिन प्लस होगा तो हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 26x - 26x बराबर। इसको हम करेंगे तो 45 वैसे लिख लेंगे, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लिख लेंगे, लेकिन हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो प्लस कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 36। तो हम करेंगे तो -26x बराबर 45 में से 36 घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, तो x बराबर 9/-26। तो देखिए क्यों होगा बटा में -26, क्योंकि ये हमारा चर के साथ है, इसलिए 9/-26 हो जाएगा, यही हमारा x बराबर 9/-26 आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर जांच देख लेते हैं कि हमारा आता है कि नहीं। तो हम इसका उत्तर जांच करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 9/-26 कर लेंगे। तो चलिए उत्तर जांच कर लेते हैं, तो करेंगे तो 7 तो वैसे ही लिख लेंगे, और 3 - 2 कर लेंगे, और गुड़ते यहाँ पर x का, यहाँ पर कुछ मान नहीं है यानी कि गुड़े का निशान, और x का मान हमने लिखा है 9/-26। कोष्टक बंद कर लेंगे, +3 और कोष्टक में 5 - 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुड़े का निशान हो जाएगा, x का मान 9/-26। तो हम कर लेंगे कोष्टक बंद बराबर 45। तो हम इसे हल करेंगे तो 7 तो वैसे ही लिख लेंगे, 3 - 9 × 18/-26 हो जाएगा कोष्टक बंद, प्लस 3 वैसे लिख लेंगे, 5 - 9 × 36/-26 हो जाएगा, ये कोष्टक हम बंद कर लेंगे, बराबर में 45 कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कोष्टक लगा लेंगे इसमें भी, क्योंकि देखिए ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको क्या करना है कि हमें इसे हल करना है। माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, अंश में भी चाहे हर में भी, तो हम इसे हल करेंगे। तो हम इसे हल करेंगे तो ये भी कर सकते हैं कि 7 कोष्टक में 3 हो जाएगा और माइनस, और हम इसे अंश में भी लिख सकते हैं, या ये हर में भी वैसे ही होगा और अंश में भी, तो हम अंश में कर लेते हैं, तो -18/26 हो जाएगा। आप हर में भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी माइनस माइनस कट ही जाएगा और ऊपर करेंगे तभी माइनस माइनस हो ही जाएगा। फिर +3 और कोष्ठक में 5 - इसका भी हम अंश में माइनस कर लेंगे, और 26 वैसे लिख लेंगे, बराबर 45 कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 7 कोष्ठक में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18/26 कोष्टक बंद हो जाएगा, +3 और 5 लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36/26 कोष्टक बंद बराबर 45। देखिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि एक छिपा होता है, तो हम एलसीएम लेंगे तो 26, 1 का एलसीएम 26 ही होता है, और 26 में 1 में 26 का भाग देंगे तो 26 होगा, 26 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हम 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 26 × 3 = 78 हो जाएगा, प्लस 26 में 26 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा, 1 में 18 का गुणा करेंगे तो हमारा 18 ही होगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, +3। अब हम इसका करेंगे तो बटा में 1 छिपा रहेगा, तो एलसीएम लेंगे तो 26 ही होगा, और 1 में 26 का भाग देंगे तो 26 होगा, 26 पर से हमारा हो जाएगा 130, तो
तो हम लिख लेंगे 130 प्लस 26 में 26 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा, 1 में 36 का गुणा करेंगे तो 36 ही हो जाएगा, कोष्ठक बंद बराबर 45 कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, आगे हम हल करेंगे इसको, तो क्या करेंगे पहले हम इसे प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे तो 7 कोष्ठक में इसे प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको हम प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 को 6 हासी लेख। देखिए हम यहाँ पर प्लस करके आपको दिखा देते हैं, 78 में 18 को प्लस करना है तो 8 8 16 को 6 हो जाएगा, 1 हासिल होगा तो 8 1 9 हो जाएगा, तो ये हमारा 96 बटा में 26 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको कोष्ठक बंद कर लेंगे, प्लस 3 करेंगे, अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 166 बटा में 26, कोष्ठक बंद बराबर 45 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि गुणा का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं, यानी कि गुणा का चिन्ह हम कर लेंगे, तो इसे हम हल करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा जब हम 96 में 7 का गुणा करेंगे, यानी कि 96 में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 672 बटा में 26, सिर्फ 96 में गुणा करना है हमें सिर्फ, और नीचे 1 में 26 का गुणा कर देंगे तो 26 ही होगा, प्लस 3 में 166 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 498 बटा में 26, में 1 का गुणा करेंगे तो 26 ही होगा और बराबर में 45 कर लेंगे। इसको एलसीएम लेंगे हम, 26 26 का एलसीएम लेंगे, 26 26 का एलसीएम हमारा 26 ही होगा, जब 26 में 26 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा, 1 में 672 का गुणा करेंगे तो 672 ही होगा, प्लस 26 में 26 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा, 1 में 498 में गुणा करेंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा या भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो बराबर 45 कर लेंगे। तो हम इसे प्लस करेंगे, दिया हमारा 672 प्लस 498, इसे प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए हम आपको प्लस करके दिखा देते हैं, 672 प्लस 498 इसे प्लस करना है तो 8 2 10 हो जाएगा, 9 7 16 1 17 को 7 हासिल 6 4 10 1 11, यानी कि हमारा हो जाएगा 1170 बटा में, ये जो हमारा 26 है तो हम 26 वैसे ही लिख लेंगे और बराबर में 45 लिख लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटाएंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 45, 26 में अगर हम 26 में 1170 दिया है हमारा 1170, इसमें हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 45 और बराबर में हमारा 45 दिया ही था, यानी कि जो हमारा आया था यक्स बराबर 9 बटा -26 वो बिल्कुल सही है, यानी कि हम हल करने पर बराबर में संख्या जो है हमारा 45 बराबर 45 आ गया है, यानी कि जो हमारा आया है यक्स बराबर 9 बटा -26 वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो अगला सवाल है 5 नंबर, तो हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।